क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करते हैं, हॉकी को स्पॉन्सर करते हैं, कबड्डी को स्पॉन्सर करते हैं, कारगिल वॉर में शहीद हुए 122 परिवार को आर्थिक मदद देते हैं, गुजरात में भूकंप आता है तो वहां गांव बसाते हैं, छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक त्रासदी होता है वहां मदद करते हैं, फिर क्रिकेट स्टेडियम बनाते हैं और फिर एक के बाद एक इंग्लैंड में जाके तिरंगा फहराते हैं, ग्रॉसवेनर होटल खरीदते हैं, अमेरिका में न्यूयॉर्क प्लाजा खरीदते हैं, सहारा स्टार होटल जो एक सिग्नेचर होटल है मुंबई में, मुंबई एयरपोर्ट के ठीक सामने, वो खरीदते हैं और निवेशकों के बीच में भरोसा दिलाते हैं कि हम व्यवसाय कर रहे हैं, आप जो निवेश कर रहे हैं वो हम पैसा लौटाएंगे। काफी दिनों तक निवेशकों का इनका रिश्ता अच्छा बना रहा, काफी अच्छा रहा। अगर रिश्ता अच्छा नहीं होता तो 10 करोड़ निवेशक नहीं होते, ये मामूली बात नहीं है। 10 करोड़ का मतलब लगभग 50 करोड़ लोग इस देश के सहारा से जुड़े नहीं होते अगर उन्होंने साख नहीं बनाई होती। आज हम भले ही ये कह सकते हैं कि धोखा दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, वो अलग विषय है, लेकिन इन्होंने साख बनाई थी तभी तो 10 करोड़ निवेशक इनसे जुड़े। अब इसके बाद की कहानी ये होती है कि जो पैसा इनके पास आता है वो चाहते हैं कि टाउनशिप बनाई जाए। टाउनशिप बनने ही वाला होता है, उसी वक्त सेबी का एक प्रकार से पंजा इनके तरफ बढ़ता है और फिर ये धीरे धीरे डिक्लाइन करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इस दौरान जब मैंने ये भी देखा कि एक एडन गुरु एडुकेशन में ये बहुत मैसिवली आना चाहते थे, जो ऑनलाइन एडुकेशन में, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में बहुत मैसिव आना चाहते थे, सहारा इवॉल्व कर सके उसमें आना चाहते थे, तो मैं हैरान हो जाता हूं कि एक व्यक्ति जो बड़े बड़े बिजनेस में पैसे को निवेश करके, एक मैकेनिकल इंजीनियर जो अपनी पत्नी से अंग्रेजी सीखता है, मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति होता है, 2000 रुपए से स्वयं लेमरेडा स्कूटर पर घूमते हैं, मैंने वो लेमरेडा स्कूटर देखा है लखनऊ में, और इसके पहले कि मैं बातचीत शुरू करूं मैं एक और आज खुलासा करना चाहता हूं। 2 अगस्त 2018 मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई सुब्रत रॉय जी से सहारा शहर लखनऊ में, 1 घंटे से ज्यादा की मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा कि आपकी क्या परेशानी है, क्योंकि मीडिया में मैं था तो मैं उन्हें कह रहा था कि अभी जो देश का परिदृश्य है, आप मीडिया को रिवैम्प क्यों नहीं करते हैं, आप मीडिया को इस तरह से क्यों कर रहे हैं, निवेशकों का पैसा क्यों नहीं लौटा देते हैं। पता नहीं निवेशक बंधु इस बात को कितना स्वीकार करेंगे, आज तो मैं आपके साथ खड़ा हूं क्योंकि आपकी पीड़ा हमारे लिए सबसे बड़ी पीड़ा है। मैं गीता का सौगंध खा के कहता हूं, सुब्रत रॉय ने व्यक्तिगत रूप से मुझे कहा कि आशुतोष मैं एक एक निवेशक का पैसा लौटाना चाहता हूं, मेरी नियत में खोट बिल्कुल नहीं है, मैं लौटाना चाहता हूं, कुछ परिस्थिति ऐसी हो रही है जो बात नहीं बन पा रही है। ये बात मत समझना कि मैं धोखा देके भागने वाला हूं, और साफ साफ उन्होंने कहा कि ना मैं मेहुल चोकसी हूं, ना मैं नीरव मोदी हूं, ना मैं विजय माल्या हूं, मुझे मेरा कोई बाप नहीं था जिन्होंने मुझे यहां पढ़ा दिया, मैंने संघर्ष करके मुकाम बनाई है और तुम तो ये जानते हो। रही बात मीडिया की, तो अभी जो मीडिया की स्थिति है उसमें कम से कम 150 करोड़ रुपए लगेंगे और वो मैं अभी देने की स्थिति में नहीं हूं। जिस दिन मैं 150 करोड़ रुपए लगाऊंगा उस दिन मैं तुम्हें बुलाऊंगा और तुम्हें मैं चार्ज दूंगा। मैं आज सबके सामने ये पटाक्षेप कर रहा हूं कि तुम्हें मैं कहूंगा कि मीडिया को तुम लीड करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर जो ईमानदारी दिखी है वो अतुलनीय है।
मैं हैरान हूं इस बात को लेकर के कि जब तक तुम हमारे साथ थे मेरी नजर क्यों नहीं पड़ी। जैसे ही तुमने हमारे संस्थान को छोड़ा उसके बाद हमारी मुलाकात हुई। पहली मुलाकात तो हमारी एमबी वैली में हुई थी, सहारा छोड़ने के तुरंत बाद। वहां भी अच्छी मुलाकात हुई, लेकिन उस वक्त ये समस्या नहीं थी, 2010 की बात है। लेकिन 2018 2 अगस्त 2018 में जब मेरी मुलाकात हुई तो चिंतित थे, थोड़े बीमार भी थे, भूल भी रहे थे थोड़ा थोड़ा। वो शायद अल्जाइमर की शिकायत थी, भूलते भी थे, लेकिन वो हमें खूब बढ़िया से पहचानते थे और बहुत इज्जत से हमारे साथ उन्होंने बात किया। और ये बात उन्होंने कहा कि मैं निवेशक का पैसा लौटाना चाहता हूं, ये उनके वर्ड थे। इसलिए मैं कई बार, मुझे यकीन नहीं होता है कि सुब्रत राय ऐसा आदमी तो हो नहीं सकता है, कैसे उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो तो फ्रॉड था, वो तो झूठा था, उसकी नीयत ठीक नहीं थी। मैं जानता हूं हमारे निवेशक बंधु ने का जो त्याग है वो अकल्पनीय है, उनकी जो पीड़ा है वो अकल्पनीय है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ये बात, उनके प्रबंधन में, उनके संस्थान में मैंने किसी दूसरे आदमी के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन चूंकि मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी इसलिए मैंने अपने निवेशकों के सामने ये बात रखी है। और इतने अच्छे रिश्ते होने के बाद मैं इस पूरी संस्थान के खिलाफ खड़ा हुआ, और इसी बात की तारीफ सुब्रत राय स्वयं करते थे और कहते थे कि आशुतोष पाठक, तुम्हारे अंदर जो इंसानियत है, तुम्हारे अंदर जो सच के साथ खड़ा होने की ताकत है, इसीलिए मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं। और इसीलिए उनसे बेहतरीन व्यक्तिगत रिश्ते होने के बाद भी आज मैं निवेशक बंधुओं के साथ खड़ा हूं, निवेशक बहनों के साथ खड़ा हूं। और यह बात मैंने उन्हें कहा था कि सर अगर उनका पैसा नहीं लौटेगा तो मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं मैं जिद पर अड़ा रहने वाला व्यक्ति हूं। भारी मन से आज मैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हूं, दोबारी मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, वरना मैं जरूर उनको कहता कि कुछ करते। 2018 के बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई और उसके बाद तो एक इतिहास है, पिछले 5-6 वर्षों का इतिहास है। उसके बाद बहुत सारी घटनाएं हुई, उस वक्त तक ये भरोसा था कि शायद ये मामला कोर्ट में चल रहा है, सुलझ जाएगा, लोगों का पैसा मिल जाएगा, लेकिन जब ये स्थिति हो गई तब मुझे आखिर में ये बात उठानी पड़ी। आज मैं अपने सहारा निवेशकों से ये मैं आपको कहना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट रखा है कि ऐसा मत समझिएगा कि सुब्रत राय गुजर गए तो आपका पैसा नहीं मिलेगा, आपका पैसा मिलेगा,